वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण कन्हैया की, भारत माता की, भारत माता की। लखनऊ पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन आयोजन में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, राज्यसभा के माननीय सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, मुकेश शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री दीपक कुमार जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, प्रशासन और पुलिस के हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, बहन और भाइयों, आज आप सबके माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। यह वर्ष भारत के शास्त्रों की मान्यता के अनुसार लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की 5251वीं जन्मोत्सव का आयोजन है। ये जो आयोजन है केवल आयोजन मात्र नहीं है, विरासत के साथ जोड़ते हुए पिछले 5251 वर्षों से पूरे भारत का सनातन धर्मावलंबी इन आयोजनों के साथ जुड़ता रहा है और यह एकमात्र आयोजन है जो थानों में, जेलों में, पुलिस लाइनों में इतनी भव्यता के साथ आयोजित करके कानून व्यवस्था और सुरक्षा के अपने अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने वाले पुलिस कार्मिकों की सुरक्षा से जुड़े हुए विभागों के एक महत्वपूर्ण आयोजन के साथ जुड़ करके श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ उन्हें इस आयोजन के माध्यम से जोड़ा जाता है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यद्यपि श्री हरि विष्णु के एक पूर्ण अवतार के रूप में मान्य हैं, जन्म से ही उनकी लीलाओं का क्रम प्रारंभ हुआ और यह मान्यता है कि इस धराधाम पर 125 वर्ष 8 महीने उन्होंने व्यतीत करने के बाद अपनी लीला को स्वयं विश्राम दिया। एक लंबे समय तक
उनकी लीलाओं को अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, प्रमाण के रूप में उन्हें प्रयोग करते हैं। और श्रीमद् भगवद् गीता दुनिया का एकमात्र ऐसा पावन ग्रंथ है जो युद्ध भूमि में उन्होंने अपने सखा और अपने शिष्य अर्जुन को जो अमर ज्ञान दिया, उसे आज श्रीमद् भगवद् गीता के रूप में हम लोग घर घर में उस ग्रंथ की पूजा करते हैं। यहां तक कि भारत की न्यायपालिका भी उस ग्रंथ के प्रति उतना ही श्रद्धा का भाव रखती है जितना सनातन धर्मावलंबी रखता है। श्रीमद् भगवद गीता को मोक्ष ग्रंथ भी माना गया है, मुक्ति। हम सबके लिए ये मान्यता है कि जीवन में हर मनुष्य के लिए जीवन के चार महत्वपूर्ण पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आधारशिला धर्म से प्रारंभ होती है, वह अपने कर्मों के माध्यम से जो अर्थ का उपार्जन करता है वह उसकी कामनाओं की सिद्धि में, जब वह उसका उपभोग करता है, उसका उपयोग करता है, तो उसकी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। यह एक सामान्य मान्यता है, लेकिन श्रीमद् भगवद् गीता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है हर भारतवासी के लिए, यह उपदेश आज भी हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। याद करिए, आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से कहा था कि हम लोग देश के अमृत महोत्सव को, आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, लेकिन अमृत महोत्सव मात्र अमृत महोत्सव नहीं है, हमें आगामी 25 वर्षों की कार्य योजना के साथ कार्य करना है। और 25 वर्ष की हमारी जो कार्य योजना होगी, ये कार्य योजना ऐसी होगी जब 2047 में जो पीढ़ी होगी, उस समय की जो पीढ़ी होगी, उस समय हम उन्हें ऐसा भारत देंगे जो विकसित भारत होगा, जहां चेहरे पर खुशहाली होगी, जिसे अपने भारत पर गौरव की अनुभूति होगी, कहीं कोई दुखी नहीं होगा, कहीं कोई दलिद्रता नहीं होगी, कहीं कोई अराजकता नहीं होगी, कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, हर हाथ को काम होगा, हर खेत को पानी होगा। और इस संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे 2047 के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने पंच प्रण की बात कही थी। पंच प्रण में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रण है वह है नागरिक कर्तव्यों का। याद करिए, श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान कृष्ण भी अर्जुन से एक ही बात कहते हैं कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये अर्जुन, तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अक्सर होता है हम कौन सा काम करेंगे इसके लिए हम लाभ और हानि देखने का प्रयास करते हैं, और जब भी हम किसी कार्य को करने के पहले लाभ और हानि की चिंता करते हैं तो हम उसके पुण्यों से वंचित हो जाते हैं। याद रखना, अच्छा करेंगे अच्छा फल प्राप्त करेंगे, बुरा करेंगे उसके पाप से कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं मुक्त कर सकती। अक्सर हमें कहते हैं कि हम गलत करेंगे लेकिन मंदिर में जाके पैसा चढ़ा देंगे, लड्डू चढ़ा देंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, इससे कभी नहीं हो सकता। अगर पाप किया है तो उस पाप का भुक्तभोगी हमें बनना ही पड़ेगा। अच्छा किया है, लोक कल्याण का काम किया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस पुण्य से वंचित भी नहीं कर सकती है, यह हमारी मान्यता है।
और उस मान्यता के प्रमाण है। और इसीलिए कर्म की प्रेरणा, आज जब हम 5251वें जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ प्रभु श्री कृष्ण के इस उत्सव के साथ जुड़ रहे हैं, तो हर व्यक्ति के अपने नागरिक कर्तव्य भी होंगे। अक्सर हमारे बीच में दुविधा कहां से होती है, आप किसी से भी बातचीत कर लीजिए, किसी भी तबके का हो, किसी भी बात का हो, वे बालक हो, अधेड़ हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर आप उससे देखेंगे वो अपने अधिकार की बात तो करता है लेकिन अपने कर्तव्यों की कभी चर्चा नहीं करता, अपने कर्तव्यों की चर्चा नहीं करता है। कहता मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, बच्चे अक्सर परिवार में बोलते हैं ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, लेकिन अगर उससे अभिभावक पाठ्यक्रम के बारे में पूछने का प्रयास करता है तो टाल मटोल करता, बहाना करता है। याद करना, जीवन में सफलता के लिए समाधान का मार्ग अपनाइए तो आप समाधान के निर्णायक स्थिति में पहुंच पाएंगे। जब लक्ष्य समाधान होगा तो सफलता प्राप्त होगी, और जब आप समस्या पे चिंतन करेंगे तो उसके लिए आपको 10 बहाने मिल जाएंगे, 10 बहाने मिल जाएंगे, टाल मटोल करते रहेंगे। टाल मटोल से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, हमें समाधान की तरफ जाना पड़ेगा, और समाधान के लिए बहाना नहीं चाहिए, उसके लिए परिश्रम चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, उसके लिए कर्म चाहिए, और उस कर्म की प्रेरणा श्रीमद् भगवद् गीता जैसा पवित्र ग्रंथ, जिसे प्रभु ने कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी सेनाओं के बीच में लाखों सेना खड़ी है, दुनिया का एकमात्र ग्रंथ होगा जो धार्मिक दृष्टि से धर्म और कर्म दोनों की प्रेरणा दे रहा हो, लेकिन उसका जो उपदेश है वह रणभूमि में दिया जाता है, और रणभूमि में दिया गया उपदेश सबसे महत्वपूर्ण कर्म का है। याद रखना, कर्म के बगैर न धर्म का साधन पूर्ण हो सकता है, न अर्थ का पूर्ण हो सकता है, न कामनाओं का हो सकता है, और न ही मुक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। और इसीलिए कर्म हमेशा भारतीय परंपरा ने, भारतीय मनीषा ने कर्म को प्रधानता दी है। आज मुझे प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने कर्म दिखाया, हानि लाभ की चिंता नहीं की। परिणाम आया कि जिस पुलिस को सबसे फिसड्डी मान लिया गया था, जिस प्रदेश को सबसे फिसड्डी मान लिया गया था, आज वो प्रदेश तेजी के साथ देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है, कानून व्यवस्था का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। आज प्रदेश के अंदर हर ओर सुख और शांति है, सद्भावना है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। हम लोग पुलिस लाइन में पर्व और त्योहार मना रहे हैं। प्रदेश के सभी 1585 थानों में, सभी पुलिस लाइन में, 75 की 75 पुलिस लाइन में, सभी प्रदेश के 90 से अधिक जेलों में ये आयोजन इसी भव्यता के साथ आयोजित हो रहे हैं, और बिना संकोच के हर व्यक्ति आ रहा है। क्या ये संभव था आज से 10 साल पहले? नहीं संभव था। सरकारें डरती थी, आयोजन करेंगे इसका क्या लाभ होगा? लाभ और हानि से नहीं, अपनी विरासत के प्रति गौरव का अनुभव, एक गौरव की अनुभूति हम सबके मन में होनी चाहिए। विकास उस विरासत का सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए उस प्रकार के प्रयास भी होने चाहिए, और वो प्रयास हुए, आज परिणाम हम सबके सामने है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इसी बात को कहूंगा, पंच प्रण में नागरिक कर्तव्यों के प्रति हम सबको, जो जिस क्षेत्र में है, छात्र है वो खूब अध्ययन करे, कर्मचारी है वो अपने फील्ड में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन तो करे, कुछ नयापन करने का प्रयास भी करे, सामान्य नागरिक है वह भी अपने फील्ड में कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, और हम सबके सामने एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा हर कार्य, मेरा हर कर्म, मेरा हर काम देश के नाम होगा, देश के लिए करूंगा, देश के लिए जीऊंगा, देश के लिए सब कुछ समर्पित करूंगा,
अगर इस भाव के साथ हम कार्य करेंगे तो प्रभु की कृपा भी हम पर बराबर बनी रहेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्मोत्सव का कार्यक्रम आज यहाँ पे पूरे प्रदेश भर में हर स्तर पर, सरकारी स्तर पर भी और विभिन्न संगठनों के स्तर पर भी और घर घर में भी ये आयोजन हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं कल ही मथुरा वृंदावन में गया था, कल मैं मथुरा में था, आज सुबह मुझे श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कल मुझे श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। क्या श्रद्धा भाव है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज मथुरा वृंदावन में आकर के श्रद्धा भाव के साथ दर्शन कर रहे हैं, उत्सव के साथ सहभागी हो रहे हैं। बिना किसी सहायता के लोग आकर के वहां पर, सुविधा है नहीं है इसकी प्रवाह के बगैर, पूरे श्रद्धा भाव के साथ झूमते हुए, गाते हुए, भजन करते हुए वहां पर जुड़े हुए हैं। और यह दृश्य मथुरा वृंदावन के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर हर एक जगह देखने को मिल रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रभु के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए हम सब अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके जीवन में प्रभु इसी प्रकार से कृपा बनाए रहे, इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।